चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अभी तक अपने जो स्टेप्स कल तक अपने जो पूरे किए हैं वो फुटिंग कंक्रीट वाला हो गया और उसका सेटिंग हो गया जो अपन एक्सेल के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, एक बार और स्टार्टिंग से स्टेप्स देख लो सारे। साइट क्लीनिंग वाली कैलकुलेशन आ गई, एक्सकेवेशन वाली कैलकुलेशन आ गई, सैंड सीलिंग वाली कैलकुलेशन आ गई, देन पीसीसी, देन फुटिंग कंक्रीट, और फुटिंग कंक्रीट की जो शटरिंग है वो, जैसे ये 5 नंबर है इसको आप 6 नंबर दे दो। ठीक है, तो आप 6 नंबर दे लो। और आज की क्लास में अपने क्या करेंगे, 7 नंबर जो करेंगे करेंगे पेडेस्टल कॉलम के लिए, देन 8 नंबर जो होगा पेडेस्टल कॉलम की सेटरिंग और देन बैक फिलिंग, देन आपका फाउंडेशन का पूरा पार्ट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं कैपिटल में ले लेता हूँ। पेडेस्टल कॉलम की बात करें तो सबसे पहले पेडेस्टल कॉलम होता क्या है, और मैंने बताया था इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो है चेंजेस करना पड़ेगा अपने को, वो क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो मैं अब लेके चलता हूँ आपको नोट्स पे। ये तो अपना जो आज ड्राइंग है, ड्राइंग का ये इस वाले ड्राइंग का काम अपना पूरा हो जाएगा, फिर अपन एक नई ड्राइंग पे चलेंगे। ठीक है, पेडेस्टल कॉलम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फुटिंग वन के लिए पेडेस्टल कॉलम कितना निकलेगा और फुटिंग टू के लिए कितना निकलेगा, दोनों का अलग अलग डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जिसके अंदर फुटिंग की जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी उसके अंदर पेडेस्टल कॉलम जो है वो छोटा हो जाएगा, और जिसके अंदर फुटिंग की जो डेप्थ है वो कम होगी उसके अंदर पेडेस्टल कॉलम का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पेडेस्टल कॉलम जो क्या है वो एक बार और मैं लास्ट क्लास में बताया था, मैंने फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि आपकी फुटिंग से लेके नेचुरल ग्राउंड लेवल यहाँ तक का जो कॉलम वाला पार्ट है उसको अपन पेडेस्टल कॉलम बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर कितना कॉन्क्रीट फिल होगा, ठीक है, और शटरिंग में जो है वो कितना क्वांटिटी लगेगा वो अपने आप जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और एक्सेल के अंदर इनपुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं फुटिंग F1 की बात करूँ तो ये मेरा जो एक्सकेवेशन मैंने किया था वो टोटल किया था 1500 mm। ठीक है, 1.5 मीटर का मैंने एक्सकेवेशन यहाँ पे किया है, तो मेरा 100 mm चला गया सैंड फिलिंग के अंदर, 100 mm चला गया पीसीसी के अंदर, देन फुटिंग का जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है ये मेरा है 250 mm, और ये वाला जो पार्ट है वो मेरा है 150 mm। मेन जो डिफरेंस आता है वो इसी के कारण आता है। देखो यहाँ पे जो है ये F2 फुटिंग के अंदर ये वाला पार्ट जो है वो 200 mm है, और इसके अंदर जो है ट्रेपेजोइडल वाला जो पार्ट है मेरा फुटिंग का, इसके अंदर ये 100 mm है। ठीक है, तो इन दोनों को काउंट करोगे तो टोटल हुआ 300 mm की ये फुटिंग हो गई। ठीक है, फुटिंग जो है टोटल 300 mm की हो गई, और इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल फुटिंग जो है वो 400 mm की है। ठीक है, तो मैं टोटल इसकी पेडेस्टल कॉलम की हाइट अगर निकालता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1500 में से माइनस कर दूंगा सैंड फिलिंग को, माइनस कर दूंगा पीसीसी को, माइनस कर दूंगा इन दोनों को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नीचे किया है। ठीक है, पेडेस्टल कॉलम की हाइट F1 के लिए 1500 से मैंने 100, 100, 250 और 150 माइनस कर दिया, देन मेरा आएगा 900 mm, यानी कि 0.9 मीटर। ठीक है, और पेडेस्टल कॉलम F2 फुटिंग के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने 1500 में से माइनस किया 100 100, तो वहाँ पे ये वाली दोनों चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगल वाला और ट्रेपेजोइडल वाला जो पार्ट है उसकी डेप्थ जो अलग अलग है तो वो चेंज हो गई, तो अब ये आया पूरा 1000 mm यानी 1 मीटर। ठीक है, तो F1 के लिए फुटिंग का साइज ज़्यादा था, पेडेस्टल कॉलम की हाइट जो थी वो 0.9 थी। ठीक है, और F2 कॉलम के लिए फुटिंग का साइज कम था बट पेडेस्टल कॉलम की जो हाइट है वो 1 मीटर है। क्यों? क्योंकि इसको ग्राउंड लेवल तक लेके जाने के लिए आपको 1 मीटर तक कॉलम को शटरिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो करना पड़ेगा वो 0.9 मीटर तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया एक बार, कि अब मेरे पास जो फुटिंग है F1 है इसमें पेडेस्टल कॉलम की हाइट अलग रहेगी, F2 के अंदर अलग रहेगी। ठीक है, अब जो कॉलम है मेरे पास, कॉलम भी मेरे पास जो है वो दो टाइप के हैं, हालांकि इस एग्जाम्पल के अंदर चलो एक बेनिफिट है अपने पास कि दोनों के जो है साइजेस सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साइजेस सेम है। ये देखो मैं ड्राइंग के ऊपर जाता हूँ, मेरी ड्राइंग ये रही। ठीक है, इस ड्राइंग के अंदर देखो आप, यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम है, कॉलम C1 और कॉलम C2। ठीक है, दोनों के साइजेस 250 बाय 400 ही हैं। ठीक है, पर दोनों के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के तो कॉलम हो गए,
यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के अलग अलग कॉलम हो गए, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, देर आर टू टाइप ऑफ कॉलम इन ड्राइंग। ठीक है, कौन कौन से हो गए, C1 और एक C2 हो गया। ठीक है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, तो अब अपने पास कितने पैटर्न्स बन सकते हैं फुटिंग कॉलम के। एक पैटर्न ये बन सकता है कि F1 वाली फुटिंग के अंदर कॉलम जो हो वो C1 हो, एक पैटर्न ये बन सकता है F1 वाली के अंदर जो है वो C2 हो। सिमिलरली F2 में भी वही चीज़ हो सकती है, या F2 के अंदर क्या हो सकता है, C1 कॉलम हो सकता है, या F2 फुटिंग के अंदर C2 कॉलम हो सकता है। तो टोटल चार तरीके के पैटर्न बन सकते हैं। तो अपने जो एक्सेल शीट बनेगी उसमें मैं चार इस तरह से पैटर्न्स बना लेता हूँ। चारों पैटर्न्स का मतलब आपको समझ में आ गया, फिर अपन कॉलम अलग अलग जो है काउंट करके वो लिखते हैं। ठीक है, चारों का पैटर्न्स आ गया समझ में। फुटिंग जो F1 टाइप की है उसके अंदर C1 कॉलम भी हो सकता है, C2। ये देखो ड्राइंग को भी देखो आप, उसे और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये वाली ड्राइंग देखो अब आप, ये मेरी ड्राइंग है। यहाँ पे देखो किसी के अंदर F1 लिखा हुआ है, ये जो बाहर वाली है इनके अंदर F2 लिखा हुआ है। देखो ये बाहर वाली इनके अंदर F2 है, बाकी अंदर वाली सारी जो इनके अंदर F1 लिखा हुआ है। F1 के अंदर भी दो प्रायोरिटीज हो सकती है, किसी के अंदर C1 कॉलम है, किसी के अंदर C2 कॉलम है। ठीक है, तो चार तरीके के पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, C1, C1, C1 के अंदर सारे पैटर्न C1 के हैं, के अंदर C2 यहाँ पे। चलो ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं और अपने एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला पैटर्न, अब आप इसको टेबल को बनाओ तो इस टाइम यहाँ से नोट से देख लेना, नोट्स पे भी मैंने यहाँ पे इसको टेबल को बना दिया एक बार रफली। थोड़ा सा पेडस्टल कॉलम के लिए जैसे मैंने पहले F1 C1 F2 C2 इस तरह से पैटर्न्स बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर डालता हूँ। उससे पहले F1 फुटिंग की बात करूँ मैं, F1 के अंदर आपका कॉलम C1 हो सकता है। देन अगर F2 की बात करूँ तो इसके अंदर सॉरी F1 के अंदर ही चल रहे हैं अभी, F1 के अंदर C2 कॉलम भी हो सकता है। नेक्स्ट F2 फुटिंग के अंदर क्या हो सकता है, C1 कॉलम भी हो सकता है, और F2 फुटिंग के अंदर C2 कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, ये चार तरह के पैटर्न्स बनेंगे। अब इनको काउंट करते हैं कि F1 C1 जो है वो जो नंबर है वो कितने हैं। ठीक है, वो यहाँ से मैं काउंट करता हूँ ड्राइंग के अंदर जाके। ठीक है, ये आपको ऑटोकैड वाली जो ड्राइंग है उसे काउंट करना है। तो F1 C1 के पैटर्न्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 टोटल हो जाएंगे, वो मेरे 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 16। ठीक है, अब F1 फुटिंग ऐसी कौन सी है जिसमें कॉलम जो है C2 लगा हुआ है। ठीक है, अब उनको काउंट करते हैं। तो F1 जितनी भी फुटिंग्स हैं आप इसके अंदर देखोगे सबके अंदर जो है वो C1 ही कॉलम लगा हुआ है। F1 फुटिंग के अंदर कहीं पे भी C2 कॉलम लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को एक बार आप छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है मेरा F2 जिसके अंदर कॉलम हो मेरा C1, F2 जिसके अंदर मेरा कॉलम हो C1। ये देखो 1 ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड इधर ये रहा, फोर्थ ये रहा, दो इस साइड में ऊपर और दो इस साइड में ऊपर। ठीक है, F2 फुटिंग के अंदर C1, तो टोटल हो गए 4। ठीक है, ये आप काउंट कर लेना, यहाँ से इधर से हो गए 2 और इधर से हो गए ये 2। तो ये मेरे पास टोटल नंबर हो गए यहाँ पे F2 फुटिंग के अंदर C1 कॉलम के 4। अब F2 फुटिंग के अंदर मैं जाता हूँ और C2 कॉलम जो है उनको देखता हूँ। यहाँ पे देखो F2 और C2 दो ये हो गए, F2 और C2 और दो ही इस तरफ हो गए, F2 C2 और F2 C2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो है इस पैटर्न, ये वाला पैटर्न जो कॉलम फुटिंग का, ये हो गए 4, ये हो गए मेरे पास 4। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर आपको लग रहा है कि कोई रो जो है वो मेरे काम की अब नहीं है, जैसे F1 C2 जो है वो अब आपके काम की नहीं है, तो उसको डिलीट करने का क्या तरीका होगा। आप देखो यहाँ पे जैसे 35 इसका नंबर है, यहाँ पे इस तरह से एरो को लेके जाओगे, देन इस पर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल में किसी भी रो को डिलीट करने का तरीका है कि आप यहाँ पे एरो राइट क्लिक करो,
जब एरो आ जाए तो राइट क्लिक करो और देन उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब पेडेस्टल कॉलम के लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले F1 फुटिंग के लिए मैं बात करता हूँ। तो F1 फुटिंग के लिए लेंथ और विड्थ कॉलम की क्या हो जाएगी, लेंथ और विड्थ में तो कोई इशू ही नहीं है मेरा, लेंथ और विड्थ सारे कॉलम की सब में सेम है। ठीक है, तो कॉलम की जो तो विड्थ है वो आप इसके अंदर देखो, ये ड्राइंग के अंदर भी देख सकते हैं आप, देख सकते हो इसको। ठीक है, ये मेरी आ रही है कितनी, 250 by 400 जैसा आप पढ़ रहे हो लास्ट क्लासेस। ठीक है, तो कॉलम की मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप पहले लेंथ को लिख लो 0.25 मीटर के अंदर हो गया, देन 0.4। ठीक है, सिमिलरली यही क्या होगा नेक्स्ट वाले इसके अंदर होगा। तो अब यहाँ से देखो मैं एक नई चीज बताता हूँ आपको, आप इस तरह से भी इनको कॉपी कर सकते हो। अभी तक मैंने सेम ऑपरेशन को अप्लाई करने का तरीका क्या बताया था, कंट्रोल डी, आज को नई कमांड बता रहा हूँ, किसी भी सेल पे क्लिक करो और उसके बाद आप इसके ऊपर जाओगे तो एक छोटा सा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने नोट्स के अंदर भी लिख दी है, इसको जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कॉलम का साइज जो है चाहे मेरा F1 हो चाहे F2 हो सब में सेम है। ठीक है, अब मेरी जो बात करता हूँ मैं डेप्थ, तो डेप्थ मेरी जो है अलग अलग है, डेप्थ मेरी अलग अलग जो है वो जो भी अपन ने सबसे पहले आज की क्लास में जो कैलकुलेट की थी वो देखो ये है कि जो मेरी F1 फुटिंग है उसके अंदर जो मेरा पेडेस्टल कॉलम है वो आ रहा है 0.9 मीटर का। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, 0.9 मीटर क्यों आ रहा है, F2 के लिए आ रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है F1 फुटिंग की, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 0.9, और एक्चुअली 0.9 नहीं डालूंगा, आप पूरा फॉर्मूला क्रिएट करो क्योंकि आपको ये एक्सेल शीट जो है आगे भी काम में लेनी है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले आप इक्वल्स टू का साइन लगाओ। ठीक है, देन टोटल डेप्थ मेरी कितनी है 1.5 मीटर, राइट, उसके अंदर से मैं सबसे पहले किसका माइनस करूंगा, F1 कॉलम के लिए माइनस करूंगा मैं 0.1 जो सैंड फिलिंग का है, देन 0.1 मैं माइनस करूंगा, सॉरी माइनस 0.1 जो मेरा PCC का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर से मैं माइनस करूंगा क्या, आप यहाँ से ड्राइंग को देखो, फुटिंग को माइनस करूंगा मैं, ये देखो आप यहाँ से फुटिंग का पार्ट वन, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, 0.25 माइनस 0.15, देन एंटर करोगे तो आपका क्या आएगा 0.9 मीटर जो अपना आया था पहले। अब F2 फुटिंग के लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए भी वही सेम ऑपरेशन, इक्वल्स टू का साइन, 1.5 मीटर टोटल हमने एक्सकेवेशन किया था, देन फर्स्ट लेयर डाली थी सैंड फिलिंग वाली उसको माइनस करता हूँ 0.1, देन माइनस करूंगा PCC वाली को 0.1, देन माइनस करूंगा मैं फुटिंग को, फुटिंग के पहले वाला पार्ट जो है उसका मेरा हो जाएगा 200 mm, देन जो है 100 mm, तो कितना मैं माइनस कर दूंगा 0.2 माइनस 0.1, देन एंटर प्रेस करूंगा तो 1 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन को नीचे अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस डी भी मेरे पास तरीका है, और इस तरह से प्लस से मैं इसको ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो पूछ लीजिए आप। अब पेडेस्टल कॉलम का आपके पास जो है लेंथ आ गई है, विड्थ आ गई है, डेप्थ आ गई है, तो वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, देन नंबर ऑफ फुटिंग्स ये 16 है, मल्टीप्लाई लेंथ, मल्टीप्लाई विड्थ, मल्टीप्लाई इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी ये, और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, 1.44 आ गया। अब आपको सेम वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, तो इसको भी मैं यहाँ प्लस से ड्रैग करके और सेम तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि तो पहले ये आ गया, ये जो पॉइंट ये जो आएगा मेरा कितने अंदर आएगा, क्यूबिक मीटर के अंदर, स्मॉल लेटर्स में कर लेता हूँ मैं इसको, सारी ड्राइंग एक जैसे दिखनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, देन क्या करोगे, ऑल्ट प्लस तीनों रोज आ गई इसके अंदर, देन मैं करूंगा एंटर, मेरा आ गया 2.24। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबिक मीटर
ये मेरे को नीचे तक यही रखना है, मैंने क्यूबिक मीटर कर दिया इसको। और अब इन सब टोटल फुटरिंग क्वांटिटी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें एडिटिंग कर दूंगा कि मेरे पास पेडेस्टल कॉलम की क्वांटिटी आ गई है। ये मेरी पेडेस्टल कॉलम की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, अब पेडेस्टल कॉलम पे जो शटरिंग होने वाली है उसकी बात करें। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर जो मेरा स्टेप है। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, कैपिटल को जो है हेडिंग को मैं कैपिटल्स में रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ पेडेस्टल कॉलम कि अब आपको अगर ये शेल से बाहर जा रहा है तो आप थोड़ा सा इसको ना सेलेक्ट करके सिर्फ पर्टिकुलरली इसका साइज छोटा कर दीजिए, 12 से जो है 10 कर दीजिए, सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 8 नंबर पॉइंट हो गया। अब पेडेस्टल कॉलम शटरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी शटरिंग के लिए मैं मेरे पास एक डायग्राम है, इसको देखो अब आप। ठीक है, ये चारों तरफ क्या कर रखा है, शटरिंग कर रखा है। तो मैं शटरिंग जो है वो सिर्फ चारों तरफ ही करूंगा या ऊपर और नीचे भी करूंगा? पेडेस्टल कॉलम में ऊपर और नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आपकी जो है वो स्टील बार आएगी। ठीक है, और ऊपर से आप क्या करोगे, कॉन्क्रीट को फिल करोगे। तो अपने को सिर्फ जो है कॉन्टेक्ट एरिया जो, वो मेरा कौन सा है, ओनली पैरीमीटर वाला एरिया है, जैसा अपने पीछे फुटिंग में किया था वही सेम चीज़ हो जाएगी। तो एरिया मेरे को कितना लेना है, ये पैरीमीटर वाला एरिया सेम पीछे वाली कैलकुलेशन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको, यहाँ पे तो आपका नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो पहले मर्ज कर दूंगा, देन यहाँ पे करूँगा पैरीमीटर। उसके बाद अब थोड़ा सा जल्दी काम को करने के लिए आप यहाँ से इनको कॉपी करो और इनको ही कंट्रोल सी और इनको यहाँ पे कर दो कंट्रोल डी। ठीक है, शटरिंग भी अगर आपके जो 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 पैटर्न्स उसमें बने हैं पेडेस्टल कॉलम में, शटरिंग भी वहीं पे करनी है। ठीक है, नंबर्स भी वही रहेंगे, 16, 4 एंड 4। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ और विड्थ की। ठीक है, पैरीमीटर जो है उसको पहले आप मर्ज कर लेंगे, सेंटर इसको भी कर लो मर्ज एंड सेंटर, इसको कर लो मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसमें आपका, मान लो इस तरफ से जो मेरा साइड है वो मेरा है 0.25 और इधर से मेरा 0.4, इधर से आपका 250 mm और इधर से आपका 400 mm। ठीक है, तो उधर से भी ये 400 mm ही होगा और इधर से ये भी 250 mm ही होगा। तो चारों साइड्स को मेरे को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, देन 0.25 प्लस 0.40 प्लस 0.25 प्लस 0.40। ठीक है, तो मेरा टोटल पैरामीटर कैलकुलेट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नीचे भी जो मेरे पेडेस्टल कॉलम है, क्योंकि कॉलम का साइज लेंथ और विड्थ अगर सेम है तो नीचे भी वही सब सेम कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, अब मेरी जो डेप्थ है वो क्या रहेगी, वो भी सेम ये रहेगी 0.9, 1 और 1। तो इसको भी पूरा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ
करना चाहते हो और उसको कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल सी देन कंट्रोल डी, ठीक है, एक साथ भी मैं पूरा जो है इसको सेलेक्ट करके दो तीन सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आप क्या करोगे, वही इक्वल्स टू का साइन, ठीक है, देन ये मेरे हो गए नंबर्स ऑफ फुटिंग, देन मल्टीप्लाई पैरीमीटर मेरा, देन मल्टीप्लाई देन उसको डेप्थ जितनी मेरे को लेनी है पेडस्टल कॉलम को नेचुरल ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देन आ गया ये 18.72, ठीक है। इस फॉर्मूले में पहले कोई दिक्कत, कॉलम की जो सेटिंग निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। कॉलम की सेटिंग आराम से निकल जाएगी चारों साइड, क्योंकि तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है मेरे को सिर्फ वही लेना होता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ही लेना होता है। अगर आपकी सेटिंग उससे ज़्यादा है तो उसका पैसा जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, आपका जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट उसमें आ रहा है। नए जो CPWD नॉर्म्स हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था फुटिंग के अंदर जो नॉर्म्स फुटिंग के अंदर थे वो नॉर्म्स पेडस्टल कॉलम के अंदर भी है, शटरिंग के लिए सारे नॉर्म्स हैं वो सेम ही रहेंगे, जितना एरिया उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है उतना ही पैसा आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और ये जो अपने एरिया जो है पैसा जो क्लेम करते हैं किसके अंदर करते हैं, स्क्वायर मीटर के अंदर। तो यहाँ पे यूनिट जो मैं लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या कर लेता हूँ, इनके लिए भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है मेरे को, तो यहाँ से प्लस को पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को मेरे को ऐड करना है, तो ऑल्ट के साथ प्लस, ये मेरा ऐड हो गया है, देन एंटर, ठीक है, 29.12, ठीक है। इसको चीज़ों को आप जो है साथ साथ नोट से भी टैली करते जाओ कि आपका जो एग्जैक्ट आ रहा है, एक्चुअल जो फॉर्मूला लगाया है एग्जैक्ट वही इसमें भी आपका आ रहा है 29.12, यहाँ पे भी आपका वही सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, 8th नंबर स्टेप पेडेस्टल कॉलम की शटरिंग का, ठीक है। अब इसको भी मैं प्लस से सब जगह स्क्वायर मीटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा ये जो है इसको कंट्रोल सी करूँगा मैं, देन यहाँ पे करूँगा कंट्रोल वी, अपना पेडेस्टल कॉलम के आगे आपको शटरिंग और लिखना है, पेडेस्टल कॉलम शटरिंग क्वांटिटी, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर के अंदर मेरी ये निकल गई। अब जो मेरा फाइनल स्टेप लास्ट बचा है, ठीक है, 8 स्टेप आपके फाउंडेशन के हो चुके हैं, ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपका बचा है, ठीक है। तो नंबर 9 स्टेप जो है वो मेरा होगा बैक फिलिंग। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो आगे, ठीक है। पेडेस्टल कॉलम के लिए अपन ने जो है पूरा क्वांटिटी जो चाहिए वॉल्यूम के अंदर वो निकाल लिया है, शटरिंग के लिए स्क्वायर मीटर के अंदर अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं बैक फिलिंग की, ठीक है। अब मेरे पास मान लो कि ये डायग्राम है, जैसे नोट्स वाला डायग्राम ही आप देख लो, ये डायग्राम, ठीक है। इसमें आप एक डायग्राम को सिर्फ कंसिडर करोगे, किसी भी एक डायग्राम को आप देखते हो अच्छे से, जैसे मैंने मान लो इस वाले डायग्राम को देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने एक्सकेवेशन किया था, ठीक है। तो एक्सकेवेशन मैंने जितना किया था क्या उतनी ही वापस बैक फिलिंग करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, कुछ कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अब क्या है, सैंड फिलिंग भी है, पीसीसी भी है, फुटिंग्स भी है, ये चीज भी है। सिमिलरली आप कोई भी चीज ले लो, मान लो कोई भी आपके पास कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर पहले आपने, जैसे मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर आपने पहले से मान लो सपोज इसके अंदर 1 लीटर पानी आ रहा था पहले, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये पड़ा है, ठीक है, स्टेपलर पड़ा है मैंने ये इसके अंदर डाल दिया, ये मेरे पास माउस पड़ा है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, या कुछ भी, तो मैंने इसके अंदर पैंस वगैरह डाल दिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो 1 लीटर आएगा या उससे कम आएगा, उससे कम ही आएगा, ठीक है। तो अपन ने जो एक्सकेवेशन किया है उसके अंदर अब क्या आ गया, सैंड फिलिंग भी आ गया, पीसीसी भी आ गया, फुटिंग आया है ना। तो अब जो बैक फिलिंग है वो पहले अपने जितना किया था उससे कम होगा, ठीक है। तो उसका क्वांटिटी बैक फिलिंग का अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, अब मैं यहाँ पे आ गया बैक फिलिंग पे,
ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, तो ज़्यादा टफ नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा ही जो आपका रिजल्ट है इस पर डबल क्लिक करना है और इक्वल्स टू का साइन लगाना है पहले, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन मैंने लगाया, देन सबसे पहले वाले स्टेप पे चले जाओ। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक्सकेवेशन किया था, उसका वॉल्यूम कितना था ये, ठीक है, ये आपने ऐड किया इसके अंदर। देन अब मैं करूंगा माइनस, ठीक है, माइनस किसको करूंगा, सबसे पहले मेरा सैंड फिलिंग को मैं माइनस करूंगा, देन माइनस पीसीसी को मैं माइनस करूंगा, देन माइनस किसको करूंगा मैं, फुटिंग का जो मेरा टोटल वॉल्यूम आया, ठीक है, रेक्टेंगल वाला ट्रेपेज़ॉइडल वाला पार्ट मिला के जो मेरा टोटल आया उसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है। और मैं किसको माइनस करूंगा, सेटरिंग को माइनस करूंगा या नहीं, सेटरिंग को माइनस नहीं करेंगे, ऑन दिस वॉल्यूम को, सेटिंग तो बाद में हट जाएगा आपका, जैसे सेटिंग टाइम आपका पूरा होगा सेटिंग हट जाएगा, ठीक है, तो सेटरिंग को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। देन मैं माइनस करूंगा लास्ट में मेरा पेडेस्टल कॉलम को, यहाँ पे आ गया पेडेस्टल कॉलम का क्वांटिटी, इसको मैंने माइनस कर दिया, शटरिंग को फिर मेरे को माइनस नहीं करना है। देन मैंने एंटर किया तो आपका आ गया 142.44। तो इतना जो वॉल्यूम है इतना आपको वापस बैक फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, फाउंडेशन का पूरा पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। इसको यूनिट जो है मैं क्या लिखूंगा, क्यूबिक मीटर के अंदर, क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो और यहाँ पे इसको लिख दो कि आपकी जो है बैक फिलिंग की टोटल बैक फिलिंग क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनली वर्क करते हो तो इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर रखो, ठीक है। टोटल बैक फिलिंग क्वांटिटी मेरे पास ये आ गई। तो ये अभी तक मेरी जो है एक्सेल वाली सीट जो है फाउंडेशन के लिए जो है पूरी रेडी हो चुकी है, फाउंडेशन वाला पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। साइट क्लीनिंग से अपने स्टार्ट किया था, सबसे पहले साइट को क्लीन किया था, देन एक्सकेवेशन किए थे जिनमें से 16 जो अपन एक्सकेवेशन किए थे वो F1 टाइप की फुटिंग थी और 8 जो एक्सकेवेशन किए थे वो F2 टाइप की फुटिंग थी, ठीक है। फिर सब में जो कॉमन किया, सब में सैंड फिलिंग जो है वो 100 mm की कॉमन लिखी थी, देन PCC भी सबके अंदर कॉमनली 100 mm का ही था, ठीक है। एंड फुटिंग कॉन्क्रीट जो थी वो F1 के लिए अलग थी, F2 के लिए अलग थी, क्योंकि दोनों की अलग अलग डेप्थ और अलग अलग थिकनेस थी, ठीक है। तो दोनों के लिए पूरा फुटिंग कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। देन शटरिंग का जो पैसा है वो अपने को स्क्वायर मीटर में क्लेम करना है, शटरिंग की क्वांटिटी भी इसमें कैलकुलेट कर ली, पूरी टोटल कॉस्टिंग निकालनी है एक चीज की अपने को, ठीक है। देन उसके बाद मैंने पेडेस्टल कॉलम का वॉल्यूम जो कैलकुलेट कर लिया, पेडेस्टल कॉलम कौन सा होगा जो फुटिंग से लेके आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल को टच करेगा, ठीक है, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक की हाइट आपको मेजर आपको करनी है, ठीक है। वो आज वाली क्लास में अपने पूरा अच्छे से बता दिया है। उसके बाद लास्ट में जो अपन ने जो सारे एक्सक्वेशन किए थे उनको वापस से अपने वो फिल करना है, तो उसको बैक फिलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसका अपने पास टोटल जो है वो वॉल्यूम निकल गया 142.44, ठीक है। तो ये अपना फाउंडेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट वाले क्लासेस में अपना फाउंडेशन के बाद कौन सा पार्ट आएगा, सब स्ट्रक्चर देन सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा, ठीक है। ये वाली ड्रॉइंग का जो काम है जिस अभी अपने इतने दिन कर रहे थे इस ड्रॉइंग का, ये वाला काम आपका पूरा हो चुका है, इस वाली ड्रॉइंग का काम, ठीक है। इस वाली ड्रॉइंग से जो भी अपने को लेना था टेबल्स वगैरह वो सब अपन ने पूरा कर लिया है, ठीक है। अब अपना जो है नेक्स्ट जो आपकी एक नई ड्रॉइंग अपन लेंगे, ठीक है। ये वाली ड्रॉइंग जो आपको सिर्फ उसके लिए मिलेगी, सेंटर लाइन के लिए और एक्सकवेशन फाउंडेशन वाले कंप्लीट वर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे एस्टिमेशन इंजीनियर आपको नई ड्राइंग मिलेगी, उस नई ड्राइंग के हिसाब से आपको आगे की नेक्स्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग निकालना है, ठीक है। तीन पार्ट अपने मेजर होते हैं, फाउंडेशन वाला पार्ट, सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट, सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ठीक है। तो आप जहाँ पे खड़े होते हो, ठीक है, फ्लोर लेवल आपका जहाँ पे होता है, जहाँ पे आप खड़े होते हो उससे नीचे का जो पार्ट है वो सारा सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, और फाउंडेशन भी एक तरह से देखो तो सब स्ट्रक्चर के पार्ट के अंदर ही है, ठीक है। तो फाउंडेशन वाला पार्ट अपन ने पूरा कर लिया, अब सब स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट बचता है, देन अपन सुपर स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है। अब फटाफट से अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लीजिए। क्लियर है सारा?
और जैसे मान लो आपका पूरा बैक फिलिंग हो जाएगा तो कुछ इस तरह के साइड देखो, साइड में फिर सिर्फ आपके कॉलम्स ही दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। ये तो अपने वो हो गया। डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ओनली जो है स्टील रेन्फोर्समेंट ही दिखाई देगा अब आपको बैक फिलिंग के बाद, ये इस तरह से। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो बैक फिलिंग हो गया है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा, मेरे को इमेज नहीं मिली है इसके अंदर। ठीक है, गूगल से ही निकाली मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। बैक फिलिंग तो पूरा हो जाएगा तो सिर्फ आपको स्टील के रेन्फोर्समेंट ही बाहर निकला दिखेगा, बाकी पेडेस्टल कॉलम पूरा उसके अंदर आएगा। वैसे कॉलम थोड़ा थोड़ा निकला हुआ दिखाई देता है आपको, कॉलम भी थोड़ा सा आपको निकला हुआ, हल्का सा निकला हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम था ये प्रॉपर वर्क आपका बैक फिलिंग के अंदर सारा जो हुआ है वो अपना हो गया। ठीक है, तो क्लास को ओवर करूं मैं। कोई भी डाउट आज की क्लास से रिलेटेड? नो सर, हरी कृष्ण आपको। नहीं सर। चलो ठीक है, आज वाली क्लास को फिर अपने और करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे।